तो फ्रेंड्स, कभी भी आपका बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन में आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको 100% ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को 100% आप अनब्लॉक कर पाओगे। कंप्लीट सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो मैं जैसे आप इस एप्लीकेशन में आ जाता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपको ईएमआई कार्ड का एक ऑप्शन दिखता है। ठीक है, ईएमआई यहाँ पर लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है, बस आपको इस ईएमआई कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका कार्ड यहाँ पर ब्लॉक शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका कार्ड कभी भी ब्लॉक हो जाता है तो ब्लॉक होने के काफ़ी सारे रीजन होते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने ईएमआई को टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हो तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। सेकंड रीजन ये होता है फ्रेंड्स, आपका जो क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर जो होता है वो आप अपना कार्ड बनवाते हो उस टाइम तो अगर 750 होता है आपका सिविल स्कोर जो होता है, 900 में से 750, 800 जैसा कुछ हो सकता है या 300 तक होता है। ठीक है, 300 से 900 के बीच में आपका क्रेडिट स्कोर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वो 750 से अगर नीचे चला जाता है तो भी आपका कार्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, चाहे आपकी एक भी ईएमआई बाउंस नहीं हुई हो तो भी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिनसे आपका कार्ड ब्लॉक होता है। एक तो आपकी ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट आप नहीं कर पाते हो, किस्त जो होती है उसको आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपका कार्ड ब्लॉक होता है। सेकंड ये रीजन है फ्रेंड्स, आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन चला जाता है तो भी आपका कार्ड यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कार्ड कभी ब्लॉक हो जाता है उसको अनब्लॉक करना काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है और आपकी अगर एक ईएमआई बाउंस हुई है तो आपका कार्ड 100% अनब्लॉक हो जाएगा, दो ईएमआई आपकी बाउंस हुई है तो भी आपका कार्ड 100% अनब्लॉक हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, अगर रेगुलर आपकी यहाँ पर तीन ईएमआई बाउंस हो गई, जैसे कि आपकी जनवरी फरवरी मार्च में तीन ईएमआई तीन किस्तें हैं, अगर तीनों आपके एक साथ में अगर बाउंस हो जाती है तो फ्रेंड्स आपका कभी भी कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, यह 100% गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कार्ड कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्लीट इस कार्ड को आप देख सकते हो। यहाँ पर आप व्यू ब्लॉक रीजन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर कंप्लीट देखते हो, योर ईएमआई नेटवर्क कार्ड इज ब्लॉक्ड एज पर और क्रेडिट पॉलिसी, आपके सामने ऐसा पेज आ जाता है। ठीक है, कभी भी आपको अपने कार्ड को अनब्लॉक करना है, अगर आपकी एक दो ईएमआई बाउंस हुई है या आपका अपना सिबिल स्कोर से आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है तो उसको अगर आपको अनब्लॉक करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिखता है ब्लॉक या अनब्लॉक का, यहाँ पर थर्ड नंबर पर, बस आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, ब्लॉक, अनब्लॉक और रीइश्यू का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको अनब्लॉक पर क्लिक करना है तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका तीन ईएमआई अगर एक साथ बाउंस हुई होगी तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा कि यहाँ पर योर ईएमआई नेटवर्क कार्ड इज अनब्लॉक इन लाइन विथ और पॉलिसी एंड कैन नॉट बी अनब्लॉक्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू बजाज फिनसर्व मोबीक्विक वॉलेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ओके क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको छोड़ देना है इसको। फ्रेंड्स, अगर आपकी सिर्फ एक दो ईएमआई बाउंस हुई है या आपके अगर आपके सिविल स्कोर के कारण से आपका यहाँ पर जो क्रेडिट जो आपका ये कार्ड है वो ब्लॉक हुआ है तो फ्रेंड्स आपका इजीली अनब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अनब्लॉक का ऑप्शन दिखता है, बस आपको इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अनब्लॉक आपका ईजिली ये कार्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही फ्रेंड्स अगर आपकी तीन ईएमआई बाउंस हो गई है और अब आपका कार्ड ब्लॉक है तो भी फ्रेंड्स आप इसको अनब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए एक फ्रेंड्स एक और आपको काफ़ी अच्छा है सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने कार्ड को अनब्लॉक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से अपने कार्ड को अनब्लॉक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपका सिविल स्कोर के कारण अगर आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो नेक्स्ट जो आने वाली ईएमआई है उन एक या दो ईएमआई को आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है तो आपका कार्ड 100% अनब्लॉक हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन में नहीं जाना, आपका आसानी से यहाँ पर कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। बस फ्रेंड्स आपको जो आगे एक दो ईएमआई आने वाली है उनको आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कार्ड कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपका कार्ड अभी भी ब्लॉक है तो आपको यहाँ पर कार्ड स्टेटस पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स आपको नीचे एक आस्क ब्लू का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आस्क ब्लू वाला, बस आपको इस आस्क ब्लू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स आपको ईएमआई कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको कार्ड अगर ब्लॉक है तो जैसे आप ईएमआई कार्ड वाले पे क्लिक कर देते हो आपको यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अनब्लॉक योर कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अनब्लॉक योर कार्ड दिख रहा है, बस आपको इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके सामने नया पेज वापस से ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अनब्लॉक प्रोसेस पर क्लिक करना है। ठीक है, अनब्लॉक प्रोसेस दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
फ्रेंड्स जैसे आप अनब्लॉक प्रोसेस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने वापस एक पेज आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कार्ड कितने महीने कितने दिन में अनब्लॉक होगा अगर आपको वो भी देखना है तो यहाँ पर टेंटेटिव टाइमलाइन टू अनब्लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा अगर आप यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर अच्छा पाया जाता है और आपका सिविल स्कोर अच्छा पाया जाता है तो आपका कार्ड अनब्लॉक कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी 3 EMI एक साथ में बाउंस हो गई है और आपका कार्ड ब्लॉक है तो इसको आप किस तरह से आप अनब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल प्रोसेस रहती है। उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अब आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन में आपको कुछ ट्राई नहीं करना है। सिंपल जो भी फ्रेंड्स आपका किसी से भी आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से या आपने किसी बैंक से या आपका क्रेडिट कार्ड है अगर उनकी कोई भी आपकी EMI चल रही है या आपने लोन ले रखा है उसकी जो किस्त जो होती है फ्रेंड्स उसको आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहना है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर चला जाएगा कभी भी, ठीक है फ्रेंड्स, और 3-4 महीने तक अगर आपका सिविल स्कोर अच्छे से बनाया जाता है और आपके बैंक में अच्छे ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपका कार्ड 100% अनब्लॉक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीका आपको फॉलो करना है तो आपका कार्ड कभी भी ब्लॉक नहीं होगा और आपका कार्ड जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।